तो हम जो अपने डिजाइन है प्लेन का डिजाइन पहले ड्रॉ कर लेंगे। मैं यहाँ पे 6 mm का थर्मोकोल का शीट यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो 8 या 10 mm का भी यूज़ कर सकते। तो आप अपने हिसाब से जो कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हो तो बना लेना, मैं अपने हिसाब से ही कोई भी डिज़ाइन बना रहा हूँ। और इसका जो साइज़ है वो भी अपने हिसाब से ही रख सकते हैं आप लोग। और अब तो अगर थर्मोकोल का शीट काटना चाहते हो 6 mm 10 mm में, तो मैंने थर्मोकोल कटर का हॉट वायर का वीडियो बना के रखा है, आप लोग चैनल पे देख सकते हैं। और मैं यहाँ पे थर्मोकोल जो है वो फिश का जो फिक्स बॉक्स होता है ना, उसी का यूज़ कर रहा हूँ। तो ऐसे ही हम लोगों को एक और काटना पड़ेगा सेम टू सेम साइज़ का। तो इस थर्मोकोल पे हम लोग इसका जो है मार्किंग कर लेंगे, इसका साइज़ का मार्किंग करके उसको हम लोग काट लेंगे सेम टू सेम। तो इसको काटने के बाद हम लोगों को 2 पीस हो गया। और इसको बीच में जो हम लोग लगाएंगे वो सब काटना पड़ेगा। तो बीच का काटने के लिए हम लोग इस थर्मोकोल पे पहले ड्रॉ कर लेंगे। आप लोग कोई भी मतलब बीच में जितना गैप रखना चाहते हो उसके हिसाब से आप लोग रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 6 cm रखूँगा, तो आप लोग अपने हिसाब से जितना भी गैप रखना चाहते हो खुद के हिसाब से रख लेंगे। यहाँ पे 6 cm में रखने वाला हूँ। तो ऐसा ही पीस हम लोग 6 cm का बहुत सारा पीस हम लोग काट लेंगे, क्योंकि ये सब बाद में हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा चारों तरफ प्लेन का लगाने के लिए। तो अभी 3 से तो नहीं होगा, और भी बनाना पड़ेगा बाद में। पहले हम लोग टेल पे लगा लेंगे, और टेल का तो आप लोगों को पता ही है थोड़ा एंगल पे रहता है, तो उसकी वजह से हम लोग इसको थोड़ा एंगल पे काट लेंगे। एंगल का जो साइज है वो भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो इसको ड्रॉ करने के बाद हम लोग इसको काट लेंगे। ऐसे ही हम लोगों को एक और पीस काटना पड़ेगा, क्योंकि एक को तो हम लोग नीचे लगाएंगे और एक को हम लोग को ऊपर लगाना पड़ेगा। तो ऐसे ही सेम टू सेम साइज का एक और काट लेंगे हम लोग, इसके ऊपर रख के इसका डायमेंशन इसका मार्क करके हम लोग इसको काट लेंगे। मैं इसको चिपकाने के लिए फेविकॉल का यूज़ करूँगा। आप लोग चाहे तो हॉट ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फेविकॉल अब एक बार सूखने के बाद हॉट ग्लू गन से भी ज़्यादा अच्छा से चिपकता है। तो नीचे का लगा लिया, और ऊपर का भी हम लोग लगा के इसको चिपका देंगे। इसको भी लगा के हम लोग इसको चिपका देंगे ऊपर से। इसके ऊपर हम लोग वजन दे देंगे, ताकि
ये हिले ना, इधर उधर हिले ना, तो वजन देख के हम लोगों को इसको 4 से 5 घंटे सूखने के लिए रख देंगे। तो 6 सेंटीमीटर का जो हम लोगों ने पहले बार काटा था, तो उसी के साइज से हम लोग और सारे मतलब और सारे काट लेंगे। इन सबको काटने के बाद हमको इनको चारों तरफ चिपका देंगे जितने भी जगह है। और कुछ कुछ पार्ट्स में मैंने नहीं लगाया क्योंकि बाद में इलेक्ट्रॉनिक स्पीड करने के समय वो पार्ट्स का काम आएगा। आप लोग देख सकते हैं कुछ कुछ पार्ट्स मैंने खुला रख दिया है और बाकी सब जगह मैंने लगा दिया। इसको सूखने के लिए लगभग 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। तब तक इसके ऊपर वजन दे के रख देता हूँ ताकि इसका जो है अच्छे से चिपक जाए ग्लू। तो सूखने के बाद हम लोग इसके ऊपर से वजन हटा देंगे। वजन हटा के मैं आप लोगों को मैं दिखाता हूँ फ्यूजलेज का फाइनल लुक तो नहीं है, इसको बाद में हम लोग सैंड पेपर से घिसेंगे, उसके बाद फिनिशिंग करने के बाद उसका फाइनल लुक आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से ये रेडी हुआ है। तो अब हम लोग इसकी लंबाई देखेंगे। इसका लंबाई 30 + 30 + 7 सेंटीमीटर। आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा वो, आप बाद में उसमें 7 आया था, तो टोटल है 37 सेंटीमीटर लंबाई। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 7 सेंटीमीटर का है चौड़ाई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका विंग बनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।